विदुर नीति ये क्या कहती है? आज की दुनिया में इसका कोई यूज है? युद्ध से पहले विदुर धृतराष्ट्र को बताता है कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। उस कॉन्वर्सेशन को विदुर नीति कहा गया है। चार विदुर नीति के पॉइंट्स बताता हूँ, गौर से सुनना। नंबर एक, जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय से किसी कार्य में लग जाता है फिर वह किसी के कहने से नहीं रुकता। वह समय का पूरा उपयोग करता है और अपनी इच्छाओं पे पूरा नियंत्रण पा लेता है और फिर उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर दो, मूर्ख मन वाला अकेला व्यक्ति बिना बुलाई सभा में आ जाता है, बिना पूछे ही अपनी राय देने लग जाता है और आंख बंद करके सब पे भरोसा कर लेता है। नंबर तीन, बुरे लोगों के साथ रहने पर बेकसूर लोग भी उन्हीं के समान सजा पाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी के साथ साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। और नंबर चार, जो सम्मान करने पर फूले नहीं और अपमानित होने पर क्रोधित ना हो, वे ही असली ज्ञानी है।